Greetings, I hope you all are doing well. Welcoming you all to the second part of this chapter called Demand. Last lecture में हम लोगों ने जैसे देखा था कि demand किसको बोलते हैं, right? एक बार फटाफट से quick revision हो जाए demand की definition का. Okay, demand is the amount of quantity of a goods which buyer desires, is able to, is willing to buy. Desires, is able to and willing to buy at a given price and at a given point of time is called demand, right? Okay, now moving to the second portion of this chapter, and which is very important question, that is factors affecting demand. Okay, ab simple pehle aapko samjhati hu ki factors affecting demand kya hota hai. Demand aapko kya hai aapko pata chal gaya. Ab demand ऊपर जाएगी नीचे जाएगी मतलब कि डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी, वो सब जो डिसाइड करता है ना, ऐसे जो सारे चीजें होती उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, मतलब डिमांड जो है ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, स्टैग्नेंट रहेगी, क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द टॉपिक. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which is price. Okay, now अब price का demand से क्या लेना देना वो फटाफट से समझ. ठीक है, हम अगर बोले कोई भी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम बोले कि किसी भी चीज की प्राइस, उसकी जो दाम है वो ज्यादा है, तो what is more likely to happen, जो भी हमारा human behavior है हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो उसकी डिमांड हम लोग कम करेंगे, राइट, बिकॉज उसका प्राइस हमको ज्यादा पड़ रहा है. वी विल वेट कि हमारा इनकम बढ़े तब हम जाके उसको खरीदेंगे, या तो वी विल वेट कि उसका प्राइस जब नीचे आएगा तब हम उसको खरीदेंगे, या फिर हम उसको खरीदेंगे अगर हमारे पास इनफ पैसे और हमारी इनफ नीड है. बट प्राइस जो है वो डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, राइट. और प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन मतलब क्या, कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड नीचे आएगी, और प्राइस अगर नीचे जाएगी तो डिमांड ज्यादा आएगी. सिंपल, एक बार आपको रीड करके समझाती हूँ. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इट्स डिमांड. व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, अ रैशनल कंज्यूमर विल बाय मोर, दैट इज डिमांड एक्सपांड्स. एंड व्हेन प्राइस राइजेस, अ रैशनल कंज्यूमर विल बाय लेस, दैट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. अब एक सिंपल हम लोग डेनिम जींस का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि डेनिम जींस जो है उसका प्राइस क्या है, तो उसका प्राइस है 2000 रुपए. ठीक है, अब आप क्या करोगे कि 2000 में आप कितने जींस खरीद पाओगे, एक जींस. अगर मैं बोलूं कि डेनिम जींस का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज हो गया, क्या हुआ, 1000 रुपीज. यहाँ पे प्राइस क्या है, ज्यादा है. यहाँ पे प्राइस कितना है, कम है, तो क्या होगा, आप दो जीन्स की डिमांड कर पाओगे, राइट. तो यहाँ पे जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ, कम हुआ. यहाँ पे जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, उसका आगे पूरा कॉन्सेप्ट अलग से आएगा, तब आपको डिटेल में ब्रीफ करेंगे, तब तक आप इतना याद रख सकते हो. ठीक है, क्लियर. प्राइस से डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप. अब सेकंड फैक्टर, अब जितने भी ये जो फैक्टर्स है ना उसको हम लोग दो मेजर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइस एंड द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. ठीक है, अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फैक्टर्स अदर देन प्राइस. उसका जो सेकंड डिटरमिनेंट है, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. Taste and preferences of consumer. ठीक है, इसमें एक बार हम लोग रीड करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. To a considerable extent, demand depends upon taste and preferences of a consumer. These are associated with her or his likes and dislikes. If a
person is fond of reading, her or his preference for reading will change with age. And that is, at a young age, a person prefers to read storybooks and to read novels, and in old age may prefer to read spiritual books. A bahut hi simple si cheez hai ki hamare jo tastes and preferences hote hain na, wo time by time change hote jaate hain. Theek hai, pehle kya tha, to hum jab chote hote the to humko kaise games khelna pasand aata tha. For example, maan ki carrom hai, cards hai, to wo sab cheezon ki hum log zyada demand karte the. Ab jaise jaise hum log bade hote hain to hamara wo games pe preference change ho jata hai, right? पहले क्या था, तो शायद हो सकता है कि हमको और कोई गेम्स खेलना अच्छा लगता है, या यहाँ पे अब हमको टेक्नोलॉजी के बाद और सारे जो गेमिंग सिस्टम आते हैं हम उसकी डिमांड कर सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर. उसका जो टेस्ट होगा कंज्यूमर का, उसी चीज की वो डिमांड करेगा. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता, जैसे हमको पता है ना कि ट्रेंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट? पहले के टाइम में क्या था, जो बूट कट पैंट्स आते थे लड़कों के लिए, बूट कट पैंट्स आते थे, तो पहले के टाइम में वो लोग ज्यादा पहनते थे, तो तब उसका डिमांड था. अब दैट इज नॉट द प्रेफरेंस और चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. कभी क्या हो गया, डेनिम जीन्स आने लगे, रिप्ड जीन्स आने लगे, कॉटन पैंट्स आ रहे. सो दैट इज हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इवॉल्व्स, राइट? अब इसका हम लोग सिंपल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जिस भी चीज का कंज्यूमर जो भी चीज का उसका प्रेफरेंस होगा या फिर उसका टेस्ट होगा, उसका डिमांड अप जाएगा. और जो भी उसका प्रेफरेंस नहीं होगा वो चीज का डिमांड डाउन जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जा सकते हैं कि मेरे पास आज 50 रुपए का इनकम, मेरे पास 50 रुपए है और यहाँ पे जो मुझे एक चाहिए ऑयल चाहिए, ठीक है, 50 रुपए का यहाँ पे एक बॉटल आता है, तो मैं कितने ऑयल की बॉटल्स को डिमांड कर सकती हूँ? एक बॉटल. अब मानो मेरा इनकम कितना है, तो 150 रुपया है. मेरा इनकम कितना है, 150 रुपया है, तो मैं कितने बॉटल्स को डिमांड कर सकती हूँ? 3 बॉटल्स. समझ आया? इट्स वेरी सिंपल, इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. जिसका मतलब ये होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम. इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम कम, डिमांड कम. सिंपल. लेट्स ऑल्सो रीड व्हाट इज गिवन इन द बुक. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम. इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम. When the income of the consumer falls, his or demand for good also falls. When the income falls, demand also falls. Thus, there is a direct relationship between income and demand. However, there are some goods known as inferior goods in economics, whose demand decreases with increase in income. Thus, these goods are exceptions to the direct relationship between income and demand. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है inferior goods की. ठीक है, एक बार इसको हम लोग अलग से साइड में नोट डाउन कर देते हैं कि इंफीरियर गुड्स जो है, दैट इज एक्सेप्शन टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. अब इसको हम लोग अभी मिस्ट्री रखते हैं, आगे टॉपिक आगे तब आपको मैं समझाऊंगी. तब आपको क्या करना है, तब तक आप खुद से उसको ढूंढो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. ठीक है, सो दैट्स द टास्क फॉर यू. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, एंड दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपको लगेगा कि उसका खुद का प्राइस तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर बढ़ लिया, तो अभी दूसरा प्राइस कौन सा आ गया, किसका आ गया, और ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है. ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. रिलेटेड गुड्स जो होते हैं ना, उसको हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, उसको समझते हैं, तब तक इसको आप एक बार आप उसको नोट डाउन करते जाना साथ साथ, तो आपको जब घर पे आप देखो तब आपको एग्जाम्पल्स वगैरह याद करोगे तो ज्यादा समझ आएगा. ठीक है,
inferior, which will lead to another sin. Complementary goods.
complementary goods are goods which are consumed together. जैसे मैंने आपको बोला ये specs का example देके, one good cannot be consumed without the other, dependency वाला point. In the other words, these must be consumed jointly to satisfy a want or need. For example, mobile phone and SIM card, air conditioner and electricity. For the original good falls and vice versa. Since these goods are jointly consumed, price rise in even one of these goods makes the joint consumption expensive, and so the consumer demands lesser of both and vice versa. It's a simple example. कि अगर हम लोग इसमें लेते हैं एग्जांपल एक्टिवा और पेट्रोल का, एक्टिवा एंड पेट्रोल, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि जब एक्टिवा जो है उसका दाम अभी चल रहा है 27, फॉर एग्जांपल सर, ठीक है, और पेट्रोल का जो दाम है वो मान लो 70 रुपीज चल रहा है पर लीटर, ठीक है, इसका प्राइस. तो अब इसका डिमांड हम लोग बोल सकते हैं कि चलो इसका डिमांड क्या होगा. उसका डिमांड है 3 एक्टिवा अभी लोगों को चाहिए, ठीक है, और 3 एक्टिवा के लिए जितना भी पेट्रोल को खर्च करना पड़ता है उतना हम लोग लेते हैं. अब क्या होता है, एक्टिवा का प्राइस जो है 27,000 से वो हो गया 40,000. पेट्रोल का प्राइस अगर सेम भी रहे तो भी क्या हो जाएगा, एक्टिवा का डिमांड कम हो जाएगा. अगर एक्टिवा लोग यूज ही नहीं करेंगे तो पेट्रोल यूज कैसे करेंगे, बिकॉज पेट्रोल का जो यूज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द परचेज ऑफ एक्टिवा राइट. और अगर वाइस वर्सा सेम है, अगर मैं बोलूँ कि इसका एक्टिवा का जो प्राइस है वो अगर सेम होता 27,000 और ये जो पेट्रोल है उसका प्राइस 100 हो जाता तो क्या होता, तो अगेन लोग एक्टिवा परचेज करना कम कर देते बिकॉज उनको जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो उनको अफोर्डेबल नहीं लग रहा राइट. तो क्या हो जाएगा कि दोनों में से किसी एक का भी अगर प्राइस ज्यादा जाएगा ना तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और दोनों में से एक का भी प्राइस जब कम हो जाएगा तब दोनों का डिमांड बढ़ जाएगा राइट. So this is how price of related goods also affect the demand of a particular good. Clear yahan tak? Okay. Now let's move to the next point, and that is expectations about future prices. Again, this is also very important thing ki expectation of a future price wo kya hota hai aur wo kaise hamari demand ko affect karta hai. Kaun sa point hai yahan pe? Expectation of a future price. यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो आप सबने सुना होगा. मान लो कि अभी गोल्ड का जो दाम है, गोल्ड का जो दाम है वो चल रहा है 50,000 एक तोले का, ठीक है. अब आपको ऐसा घर में बोल रहा है, तब आपके पापा बोल रहे हैं कि गोल्ड जो है ना उसका आफ्टर टू मंथ्स के बाद उसका प्राइस जो है वो हो जाएगा 45,000, ठीक है. और दूसरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जहां पे वो बोल रहे कि 2 महीने के बाद उसका दाम हो जाएगा 55,000. अब हमारे पास दो सिचुएशन है, हमारे दो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस को लेके. अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है 50,000 करंट प्राइस. 2 महीने के बाद हमको अगर ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस 45 जाएगा तो हम क्या करेंगे, करंट में हम 50,000 खर्च करके उसका परचेज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे कि उसका वेट करेंगे 2 महीने के बाद वो जब प्राइस डाउन जाएगा तब हमारा डिमांड करेंगे, तब हमारा डिमांड बढ़ेगा. और अगर हमको ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि उसके 2 महीने के बाद उसका प्राइस अगर 55 हो रहा है तो करंट में व्हाट वी विल डू, करंट में उसका डिमांड बढ़ाएंगे बिकॉज हमको लगता है कि अभी उसको हम लोग सस्ते दामों में ले सकते तो तब उसका डिमांड कम हो जाएगा. तो बेसिकली उसकी जो फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन है, हमको जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके ऊपर उसका डिमांड डिपेंड करता है. नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड अफेक्ट्स हिज और हर करंट डिमांड फॉर दैट गुड एंड इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ गुड टू राइज इन द फ्यूचर देन its demand falls in the present and vice versa. ठीक है, इतना clear सबको याद तक. Okay, now very simple and the last point that is size and demographic profile of population. Size and demographic profile of population.
Got simple point is the size as well as demographic profile of a population impact the total market demand for a good. If the total population is large, then the total market demand will be more. Simple सी चीज़ है. अगर इसमें हम लोग example लेते हैं जो अभी हम लोग mask पहनते हैं, ठीक है. अब मान लो कि demographic population की और size की अगर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद जो है वहाँ पे for example अगर 10 लाख लोग रह रहे हैं और गांधीनगर जो है वहां पे मान लो कि 5 लाख लोग रह रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल कि अहमदाबाद में वो चीज का डिमांड ज्यादा होगा बिकॉज वहां पे लोग ज्यादा है. साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज एंड गांधीनगर में साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन अहमदाबाद, तो वहां पे उसका डिमांड कम हो जाएगा. वेरी सिंपल. ऑल्सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई एज ग्रुप की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल. इसमें वी कैन कंसीडर द स्मॉल एग्जांपल. अगर अहमदाबाद में दो एरियाज के एग्जांपल लेते हैं, हम एक एरिया हम लोगों ने सैटेलाइट एरिया और दूसरा लेते हैं नारायणपुर एरिया. अब मान लो कि सैटेलाइट एरिया में मेरा दोनों एरिया में शॉप है, छोटे बच्चों की जो टॉयज वगैरह आते हैं ना, मेरा एक टॉय शॉप है, ठीक है, दोनों एरिया. अब सैटेलाइट में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका पॉपुलेशन मान लो 5,000 है, मतलब उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो एरिया में 5,000 जितने छोटे बच्चे और नारायणपुरा में 500 जितने छोटे बच्चे, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगा, यहाँ पे डिमांड कम होगा, बिकॉज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज सच दैट. ओके, एंड यहाँ पे लास्ट में इफ टोटल पॉपुलेशन इज लार्ज देन द टोटल मार्केट डिमांड विल बी मोर एंड वाइस वर्सा. लाइकवाइज इफ ग्रेटर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप देन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इन द मार्केट विल बी मोर. क्लियर फ्रेंड्स इतना यहाँ तक? ओके, सो वी आर डन विद दिस सेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. आपको होमवर्क में सारे डिटरमिनेंट्स अच्छे से याद करने हैं एंड ऑल्सो योर टास्क इज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड वाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू द इनकम एंड डिमांड डायरेक्ट रिलेशनशिप. टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर.